ओम शांति। आज बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते, चलते फिरते आत्मभिमानी बनकर रहेंगे तो बहुत उन्नति होगी। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? तो बाबा ने बताया, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव, यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं, बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं है, ये तो संस्कृत जानते ही नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, भले ये रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है, ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी वंडरफुल है, इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती, यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है अर्थात बाप को याद करो। गॉड को व ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद ना करे ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है, बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वह बाप आकर समझाते हैं, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी, यह तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है, शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है, सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं, हम सर्व आत्माओं का बाप एक है, सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं, सब धर्म वाले जो भी हैं सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं, वह है परम धाम में रहने वाला बाप, हम भी वहां के रहने वाले हैं, तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं हे पतितों को पावन करने वाले आओ, नई दुनिया पावन थी अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे, भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे, जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था, संगम, इससे भी सहज कहना चाहिए नए के आगे पुराना था, संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड इसके बीच को फिर संगम कहते हैं,
बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको ये पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगा, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम रोशनी में हो, बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था पावन दुनिया में। कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता, उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है, आपका कैसे आना हुआ? तो कहेंगे, यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों, तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं या रास्ते में मिलते हैं? तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं, ये फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं, लिखने करने की भी बात नहीं है। बाबा कहते कुछ लिखने करने की भी बात नहीं, ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास कितनी भी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं। तुमको याद क्या करना है? एक बात सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे? ये भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं है। ईश्वर कहाँ है? वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ है नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है, दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की तो बात ही नहीं। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का कितना भारी मंदिर बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी गिरामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है, भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब
अब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है, आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्मविमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति याद करते हैं? कई तो कहते बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है? तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है। परंतु ऐसे नहीं है, अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन, आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित है, सब तमो प्रधान है। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी, देह होते आत्म अभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्माभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं, चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं। अभी यह बात भूलो मत, स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करना रोटी टुकड़ खाना है बस। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है, पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या हैं, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं।
भिन्न भिन्न चीज़ें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे, तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, दाल रोटी जैसी और कोई चीज़ होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं, आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं है, बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है, यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया, नहीं, ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, इन बातों को कोई समझते नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं, ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है, समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है, तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में, तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वे ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और वर्षा तो वर्षा मिलेगा, कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, ये है धारणा की बात, लिखने से क्या फ़ायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएंगे। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं, जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं, तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद, कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठें, अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है, बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है, किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है, रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। वरदान है बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव,
बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकालना अर्थात फकीर बनना। इसीलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।